असलकुम दो 2021 महा टीटी का पर्चा आज हम लोग देखेंगे कि क्या सवाल थे उसके क्या जवाब रहेंगे और क्यों वो जवाब रहेंगे इस पर हम गौर करेंगे जिसमें अगर हम पर्चे का जायज़ा लें तो ये बिल्कुल उर्दू ज़बान की तरह ही है हिस्सा नसर हिस्सा नज़म और कुछ कवायद कुछ बुनियादी मालूम जो उर्दू के बारे में हम तमाम को होनी चाहिए कुछ शौरा की तसानी वाहिद जमा कवायद के मुतालिक जो सवालात हैं उसको तफसील से समझना है जो अकतबास से है मरबूत उनको तो हमें देखना होगा अकतबाद को अच्छे से पढ़ना होगा वो बहुत आसान अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं फ़ौर आपको वो तीन जवाब मिल जाएंगे तीन सवाल होते हैं जो इकतबास से निकले हुए होते हैं बाकी हिस्स नज़म हैं हिस्स नज्म में भी कुछ मखसूस सवाल हैं जो माखूज है से बाकी तो अलग से पूछे गए हैं जैसे सनतें वो भी तक समझा दिया जाएगा जब वो सवाल आएगा तो शुरू करते हैं दर्ज जेल में से कौन सी तस्नीफ दाग दहलवी की नहीं है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी तस्नीफ़ दाग दहलवी की नहीं है इसमें मैं आप लोगों को कुछ समझा नहीं सकती कि कौन सी तसनीफ नहीं है आप लोगों को ये पढ़कर जाना है कि जो बुनियादी शौरा हैं मुसनफ़ हैं कुछ अदारे हैं जो पहले से थे आज़ादी से पहले से फोर्ट विलियम कॉलेज दहली कॉलेज और उसकी खिदमत, उसमें जो तसानिफ शाया हुई वो वारों के तहत तो हमें वो सब को पढ़ कर जाना है ताकि इस तरह के जो सवाल पूछे जाएँ उनके जवाब हमें आ सकें ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि मैं आप लोगों को समझाऊँ कि ये दाग दहली तसनीफ़ है तो क्यों है और क्यों नहीं है आप लोगों को ये याद रहना चाहिए कि ये तीन है और ये एक नहीं है तो ये आपके मुताले पर मबनी है कि आप कितना पढ़ कर जाते हैं अगर आप पढ़ कर जाएँगे तो आपको ये पता होगा अब यहाँ से आती हैं हम समझने की तरफ़ के इशाया लिखने वाला इशाइया प्रदास कहलाता है क्या कहता है इंशाइ प्रदास जी जो सवाल रहें आप लोग पूछ सकते हैं हाँ जी एग्ज़ाम ऑफलाइन है और तमाम लोगों को वालेकाम सलामत रहें खुश रहें आबाद रहें इंशाइया लिखने वाले को कहते हैं इंशा परदाज इंशाइया क्या होता है इंशाइया होता है बात से बात निकालना जब मज़मून ही से निकली हुई एक सिनफ़ है मगर मज़मून की तरह नहीं है मज़मून एक मौजू के मुतालिक तफसीली मालूमात होती है जबकि इंशाइया में मौजू से ही निकाल निकाल कर बात बदलती चली जाती है जैसे कि अगर मौसम से बात शुरू हुई है तो कैफियत पर आ जाएगी कि भाई ये मौसम है ये कैफियत है मैं ये महसूस कर रही हूं मैं यहां जा रही हूँ तो एक बात से बात निकालने की सिंफ को कहते हैं इंशाइया अब है अखबार में लिखने वाले को क्या कहेंगे जब आप ये जानते हैं कि इंशाइया लिखने वाले को इशाइया पदास कहते हैं तो आपको ये समझना है कि अखबार में लिखने वाले को क्या कहते हैं मजमून निगार कहते हैं सोचें आप कि अखबार जब आप उठाते हैं तो उसमें क्या मौजूद की मुनासिबत से सिर्फ मजामी मौजूद होते हैं कि पूरा अखबार सरवरक से लेकर आखिरी सफहे तक क्या सिर्फ मौजूद है वो कि सिर्फ उसमें मजामी है कॉलम निगार कहेंगे कि खुश निगार कहेंगे कि मकतूब निगार कहेंगे अब आप इस पर गौर करें कि इसको क्या कहेंगे तो आप अगर जानते हो तो देखिए मकतूब कहते हैं खतूत को क्या अखबार में खतूत होते हैं आप लोगों का क्या ख्याल है और क्या खुश खुश होती है नहीं जी कॉलम होते हैं अगर हम अखबार का जायजा लें तो उसमें इस तरह से कुछ इस तरह से कुछ यहाँ पे खबर है ये क्या होते हैं अलग अलग कॉलम बनाए जाते हैं और उसमें दिया जाता है कि सिर्फ मजामीन नहीं होते सिर्फ मजामी हम अगर देखें तो सिर्फ मजामीन नहीं होते अखबार में उसमें मुख्तलिफ कॉलम होते हैं सफहात पर मुख्तलिफ कॉलम होते हैं अखबार में लिखने वाला इसीलिए कॉलम निगार कहलाता है अखबार हम अगर देखें तो उसमें मालूम होती है ख़बरें होती हैं कुछ खेल के मुतालिक मालूम होती कि स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या चल रहा है कुछ शायरी वगैरह की अगर अदब नुमा का सफा अगर हम देखें तो उसमें शायरी की मालूम होती है और दूसरे अदबी कारनामे कोई उतवा अदीब के बारे में तफसी मालूम या कोई किताब के बारे में तफसी जायजा आज के मंजरनामे में फिल्मी सफहा होता है तो जी क्या होता है कॉलम निगार कहलाता है मकतूब कहते हैं खत को अगर खत लिखने वाले के पूछता तो कहते हैं मकतूब निगार अब हम आते हैं अपने तीसरे जवाब को कवायफ क्या है कवायफ का वाहिद क्या है देखें अगर हम वाहिद जमा का मतलब करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम अक्सर वाहिद जमा में गलती करते हैं कि जैसे कि जंग की जमा हम जंगों कह देते हैं जबकि जंगी हैं उसके अलावा बहतीरे ऐसे अल्फाज है जिसकी जमा हम गलत लेते हैं जब तक हम वाहिद जमा को नहीं समझेंगे सही तरह से उस वक्त तक हम नहीं समझ सकते कि इसमें क्या है कशफ करतास कशफ कहते हैं जो आसमान के उस पर हो करतास करतास कहते हैं सफा को कमियत इकाई है कैफियत हालत है तो कवायफ की जमा क्या हो सकती है आप लोगों के नज़दीक कवायफ की क्या जमा है वाहिद क्या हो सकता है हमें वाहिद यहाँ पर पहचानना है कवायफ तो अपने आप में जमा है अगर मैं ये शेर आप लोगों को सुनाऊं कि हमारे दर्द की तफसील में गया ही नहीं हमारे दर्द की तफसील में गया ही नहीं वो आशना हुआ दो चार ही कवायफ से आप लोगों को क्या लग रहा है वो आशना हुआ दो चार ही कवायफ से दो चार सफहे से आशना हुआ दो चार ही इकाई से या दो चार ही कशफ के रंगों देखा क्या हो सकता है आप लोगों को क्या महसूस होगा महसूस होगा कि कैफियत वो हमारे दर्द की तफसील में गया ही नहीं यानी दर्द क्या है कैफियत है अगर हम इसे जो लफ्ज हमारे सामने आता है उससे जुड़ा हुआ कोई शेर कोई मौजूद कोई मजमून सामने रखे तो माना समझने में आसानी होती वाहिद जमा अगर हम समझने लें तो पहले माना समझना जरूरी है। अगर हमें माना ही नहीं मालूम तो हम किस तरह से समझेंगे कि ये वाहिद जमा क्या है तो यहाँ बात हो रही है कैफियत की कवाइफ का वाहिद क्या है कैफियत है अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं अब ये देखें हाय हाय मरहबा शाबाश उफ इन अल्फाज को क्या कहते हैं हरफे फजाइया हरफे नदा हरफे माकूस हरफ तफक्कुर तफक्कुर का मतलब होता है फिक्रिया माकूस का मतलब होता है उलट निदा का मतलब होता है आवाज देना आवाज और देना या आवाज़ देना या पुकारना और फजाया का मतलब होता है किसी भी ऐसी जो हम आवाज़ दें या तो पुकारें या तो फिर हम किसी चीज पर हैरत का इजहार करें या किसी पर अफसोस का इस इजहार हो रहा है या खुशी महसूस की जा रही है अब आप लोग गौर करें जब हम माना समझ लिए कि भाई ये क्या क्या माना है आप लोगों को पता अगर है तो हाय हाय फिक्रिया हो सकता है कि हाँ भाई वैसे हाय हाय अच्छे माना में भी हो सकता है कि हाय ये कितना खूबसूरत है मगर उफ फिक्रिया हो सकता तो शाबाश फिक्रिया नहीं हो सकता तो यहाँ पर शाबाश मरहबा मरहबा यानी खुशियों की मरहबा कहते हैं कि आइए आप खुश तो यहाँ पर तफक्कुर तो नहीं होगा कोई से किसी को मरहबा नहीं कहता शाबाश नहीं कहता उलट नहीं है यहाँ पे कोई कोई का उलट लफ्ज नहीं है यहाँ किसी को आवाज नहीं दी जा रही है कि बात सुनो सुनो ये इस तरह के अल्फाज नहीं है यहाँ पर क्या हो रहे हैं कि हैरत है हाय हाय अफसोस है उफ खुशी है शाबाश मरहबा ये जो इस तरह के अल्फ़ाज़ होते हैं फजाइया जुमले हम पढ़ते हैं कि जुमले की किस्म पहचानिए जो हम अपनी क्लासेस में भी देख चुके हैं तो उसमें क्या रहता है कि उसमें रहता है मोमन लगा हुआ इस निशान तो हम बासानी समझ लेते हैं कि भाई ये फजाइया जुमला है मगर जब इस तरह से पूछ लेता है तो फजाय अलामत नहीं लगाता वो इसलिए आपको पढ़ने की सलाहियत रहना चाहिए कि आप पहचान सके कि हाय हाय मरहबा शाबाश ये तरह जो अल्फाज होते हैं या खुशी हैरत तजस या फितरी तौर पर जो हमारे मुँह से बेसाख्ता निकलता है जैसे अरे रे तो ये जो होता है यह जो अचानक कैफियत होती है वो होती है हरफ फजाइया होता है उसका इजहार हरफ फजाइया के जरिए किया जाता है अब है हमारा शेर की सनत पहचानना नारे नमरूद को किया गुलजार हाँ, नारे नमरूद को किया गुलजार दोस्त को यूं बचा लिया तूने हाँ इस शेर की हमें सनत पहचानना है अब देखें जी अब अगर है सनत मबालगा हम एक एक सनत पे भी, भी गौर करेंगे सिर्फ जवाब पर ही नहीं गौर हम कर रहे हैं इसलिए हम नहीं जवाब ही पर सिर्फ मैं आप लोगों को जवाब की वजाहत इसलिए नहीं कर रही कि अभी तो जैसे एक सनत का शेयर दिया है हो सकता है कि इस बार ये कोई और सनत का दे दे तो अगर हम हर सनत से वाकिफ रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा है क्योंकि जो एक बार पूछता है वही चीज दूसरी बार नहीं पूछता वो कोई और चीज घुमा कर पूछता है। वो क्यों वही चीज पूछेगा कि जबकि उसके सामने इतना बड़ा एक है उर्दू अदब कोई इमाम। कम नहीं है वो बहुत वसी है तो वसाई चीज के बारे में उसको सवाल भी वसी मिल रहे हैं बहुत सी चीजें हैं पूछने के लिए तो हमें समझना है कि सनत मबालगा यहाँ सनत मुबालगा मुबालगा आराई भी कहते हैं सिर्फ अशार में नहीं बातचीत में भी अक्सर लोग किसी की तारीफ करने अभी आजकल कर इलेक्शन का वक्त है तो हम देखेंगे कि जो लीडरान के साथ होते हैं उनके साथ वो बहुत ज्यादा मुबालगा आराई करते हैं कि भाई जवाब आ रहे हैं हमारे पास अमूमन जवाब सही आ रहे हैं अगर कोई कह रहा है कि चौथा तो बहुत गलत बात कर रहा है सनत तजाद की कोई बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे कोई अल्फाज़ जिद नहीं है मगर देखिए ये देखे अभी एक एक सनत समझते हैं कि मुबालगा आराई होता है बढ़ा चढ़ा कर बोलना अगर कोई बात बढ़ा चढ़ा कर की जाए तो वो हो जाती है मुबालगा आराई सनत तलमी की तरफ आते हैं तो किसी भी तारीखी मजहबी या तो माशी, माशरती वाके का या बात का जिक्र हो रहा है तो वो क्या हो जाती है सनत तलमी हो जाती है अखलाकी भी या कोई रिवायत कोई हिकायत कुछ भी अगर किसी भी वाके का जिक्र है तो वो क्या हो जाता है सनत तलमी हो जाता है सनत मरात नज़ीर मरात अगर लफ्ज हम समझने लें मत नजीर तो मिरात नजीर का मामला यूं है कि मेरा एक ही मिरात लफ्ज बना है जुड़े हुए से मिरात नज़ीर का माना होता है कि एक ही मौजू से जुड़े हुए नज़ीर बे नज़ीर नाम रहता है जिसके जैसा कोई ना हो तो वो हो जाता है बेनज़ीर मिरातन नज़ीर यानी कि एक ही शय की नस्बत से बहुत सी चीजों का जिक्र हो जैसे कि हम शेर ले लेते हैं कि कहाँ है साकी महफिल कहाँ है जाम सबू कहा है सा महफिल कहाँ है जाम सबू हुए इतर फिशा नगमा है यारो यहाँ पर क्या बात हो रही है मैं कदे के ताल्लुक से बात हो रही है। जाम सबू इतर फिशा हो जाना महफिल ये सब एक ताल्लुक से बात हो रही यानी एक ही बात की नस्बत से बहुत सी बातें हो रही हैं और मुबालगा अगर हम मुबालगे का शेर लें तो मेरे अश्क भी है शामिल ये शराब उबल न जाए मेरा जाम छूने वाले तेरा हाथ चलना चाहिए। यहाँ पे बात मुबालगाई की हो रही है कि मेरे आंसू अगर शामिल हो गए हैं ये शराब ज़रूरी नहीं है कि आप वो शराब लें शरबत का कोई भी कस्म शराब कहलाई जा चुकी है अगर मैं कहूँ कि भाई ये पानी ना पिए उसमें मेरे अश्क शामिल है कहीं तुम्हारा मुँह जल ना जाए कि मेरे अश्क में इतनी तासीर है इतनी ज़्यादा हरारत है कि वो उबल रहे हैं तो ये बात मुबालगा की हो जाती है ऐसा तो कुछ होना नहीं है मेरे आंसुओं से तो यहाँ पर हम मिसाल के जरिए बहुत सी सनतों को समझ रहे हैं सनत तजाद की तरफ आते हैं तो सनत तजाद कहते हैं अगर शायर अपने शेर में दो मुतजाद अल्फाज का इस्तेमाल करें तो कहा जाता है कि सनत तजाद का शेर है जैसे कि वे से शाद किया हिजर से ना शाद किया उसने जिस तरह चाहा मुझे बर्बाद किया यहाँ पर बात क्या हो रही है शाद भी किया ना शाद भी किया ये ज़िद हो गए तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है कि नारे नमरूद को किया गुलजार दोस्त को यू बचा लिया तूने यहां पर बात हो रही है जी सनत तलमीह की यहाँ पर हजरत इब्राहिम को जब कि बादशाह नमरूद डाल रहा है आग में तो अल्लाह ताला अल्लाह ताला खलील हजरत इब्राहिम को खलील भी कहते हैं दोस्त को यूं बचा लिया अल्लाह ताला ने अपने दोस्त को बचा लिया कह रहे हैं शायर के भाई तो ने नारे नमरूद को किया गुलजार यानी बाग की तरह कर दिया उसको ठंडा भर दिया उसको खत्म कर दिया आग की तासीर को इसके ताल्लुक से एक और भी शेर होता है कि भाई नारे नमरूद में डलवाते हो खुद अपना खलील अगर आप लोग सुनते होंगे तो एक मशहूर गाली का, का ही ये शेर है कि नारे नमरूद में डलवाते हो खुद अपना खलील फिर तुम नार को गुलजार बना देते हो यानी कि तुम अपने दोस्त को खुद डलवा तुम्हारी मंशा के बगैर तो कुछ नहीं होता तुम अपने दोस्त को खुद ही आग में डलवाते हो और फिर तुम आग को गुलजार बना देते हो तो यहाँ पे बात हो रही है वाक की तरफ तो हम समझ सकते हैं कि ये सनतें तलवी का शेर है आपको वाकया पता रहेगा तो आप पहचानेंगे वैसे तो देखें यह हमारे मजहब के ताल्लुक का वाक है तो हम तो बसानी पहचान सकते हैं कि ये हम अब है कि हरबर्ट के बयान करदा मराहिल में इजहार मकसद कितने नंबर का तेरा नहीं है ये जी तीसरा है हाँ पहला है दूसरा है कि तीसरा है हरबर्ट के बयान करदा मराहिल में इहार मकसद हम अगर तदरीसी वो पढ़ते हैं डी एड बी एड या जो भी क्लास में हम पढ़े हों तो उसमें हम देखे होंगे कि सबसे पहले आती है तमहिद तमहिद के बाद आता इजहार मकसद फिर वजाहत फिर सवाल फिर यादा फिर कदर पैमाई तो यहाँ पर है हमारा दूसरे नंबर का मरहला जिसमें तमहीद पहले टीचर जब जो मौजू के लिए आती है तो वो दूस, सबसे पहले ये करती है कि मौजू के लिए तमहीद तमहिदी है कुछ कहानी सुनाकर कुछ सवाल पूछ कर जब तलबा जवाब देते हैं या कहानी का माखज बता देते हैं तो फिर हम आखिर में दूसरे मरहले में कहते हैं कि भाई हमारा हारे मकसद यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं ये अब है के भाई सबका मालूम की बिना पर हाँ जी सबका मालूम यानी कि जो पहले से जानते हैं उसकी बिना पर नए इल्म की तश्कील के अमल को किस नजरिए का हामिल कहेंगे यानी कि जो सबका मालूम थी हमारी उसके तवस्त से उसके जरिए जब हम कोई नई बात बताते हर बच्चा जो हमारी क्लास में मौजूद होता है इंसान अपनी पैदाइश के बाद से सीखना शुरू कर देता है वो अलग बात है कि बच्चा कह नहीं पाता वो देखता जरूर है उसके पास इल्म की शुरुआत हो चुकी होती है तो यानी हम अगर केजी के बच्चे के भी पास जा रहे हैं तो वो भी कुछ तो जानता है ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ना बल्द है वो कुछ तो जानता ही होता है तो हम अगर उसकी सबका मालूम जो पहले से जानकर हमारे सामने आया है उसके बिना पर अगर हम इल्म, यानी कि इल्म को बना रहे हैं नए इल्म की तश्कील कर रहे हैं नए इल्म को शक्ल दे रहे हैं तो किस नजरिया क्या नजरिया कहलाएगा तकरीब इल्म का नजरिया तखरीब कारी का क्या मतलब हम एक एक मैं आप लोगों को जवाब नहीं सिर्फ समझा रही मैं आप लोगों को चारों ऑप्शन भी समझा रही हूँ मैं इसलिए आप लोगों को चारों ऑप्शन समझा रही हूँ ताकि आप लोग बसानी समझ सके कि अगर कुछ और अगली बार पूछता है तो आप लोगों को पता रहे कि ये चीज ये थी तकरीब इल्म का नजरिया तकरीबक कारी क्या होती है तकरीबक कारी होती है बर्बाद कर देना तबाह कर देना तो क्या ये तबाह करना होगा नहीं जी ये तो बिल्कुल गलत बात है तदरीसी इल्म का नजरिया कोई भी की तदरीस की बात हो रही तो हर एक तदरीसी है तो यहाँ पर तदरीसी तो बात नहीं हुई तामीर करना क्या होता है कि भाई हम कोई चीज़ की बुनियाद है जब अगर हम एक इमारत की भी तामीर देखते हैं तो क्या शुरू से होता है सबसे पहले फाउंडेशन रखा जाता है फिर उसके बाद उसके जैसा तो नहीं होता ना कि पहले पाँचवीं मंजिल बनी बाद में ग्राउंड फ्लोर बन रहे नहीं जैसा नहीं होता तो यहाँ पर क्या होता है पहले बुनियादी बात होती है फिर उसके बाद हम आगे आगे बढ़ते जाते तदवीन करना तदवीन करना होता है तरतीब देना जमा करना तो यहां हम मालूम जमा नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं तामीर कर रहे हैं जैसे कि सबका मालूम हम बच्चे की पहले सबका मालूम पता करते हैं जब वो हमें पता लग जाती है कि भाई बच्चा क्या क्या जानता है तो फिर हम उसके जरिए से क्या करते हैं बुनियाद पे ही इमारत खड़ी करी जाती है उसी तरह एक उस्ताद बच्चे की साबिका मालूमात है उसके बाद ही उसको ऊपर की तरफ वो उठा सकता है अगर बच्चे को सबिका मालूम अगर हम पूछ रहे हैं सवाल उससे पुरानी कोई चीज़ के बारे में जो पिछली क्लास में पढ़ चुका है जो उसे मालूम होना चाहिए मगर उसे नहीं मालूम है तो हम तभी समझ जाते हैं कि भाई अभी ये इमारत खड़ी करने का वक्त नहीं आया है हमें फाउंडेशन को ही मजबूत करना पड़ेगा तो इस तरह तामीर इल्म होती है हमें पता लगते जाता है कि बच्चा क्या जानता है और उसको क्या आगे पढ़ाना चाहिए अभी उसकी जहनी सतह उसकाबिल है कि नहीं है दर्ज जेल नज्म का मुताजिए और दिए गए मुतबाद में से सही जवाब का इंत कीजिए मैं कौन हूँ सितम नीरंग रोजगार मैं कौन हूँ जफा जमाना का एक शिकार सितम कश निररंग रोजगार यानी कि मैं सितम कश हूँ परेशान हूँ निररंग रोजगार में मैं कौन हूँ जफा वफा की जिद है वफा की जिद है अपनी जफा जमाने का एक शिकार नाकाम ये से दिल दाग दाग है सीना बना है खून तमन्ना लाला। जार हर शय से है अया मेरी अफसरदगी का रंग गोया है कायनात मेरे गम में सोगवार क्या कह रहे कि मैं उदास हूँ मैं जब उदास हूँ तो यू मालूम होता है कि हर शह गोया है कायनात मेरे गम में सोगवार यानी पूरी कायनात क्या है मेरे गम में सोगवार है मैंने खिजा की गोद में पाई है परवरिश क्या कह रहा है मैंने खिजा की गोद में मैंने बहार नहीं देखी है मैंने खिजा की गोद में पाई है परवरिश शाया मेरे चमन के नहीं इशरते दाग दाग है यहाँ पर कोई फलसफा नहीं है कोई समझने की बात नहीं है हमने बस पढ़ना है अच्छे से नाकामी हयात की वजह से शायर का दिल क्या हो गया है दाग दाग हो गया है हर से शायर की अफसरदगी का रंग आया होने की वजह क्या है हर शय तो क्या कह रहा है कि भाई हर शय में होगी क्यों? क्योंकि मैं उदास हूँ तो यूं है कि सारी कायनात मेरे साथ क्या है उदास है तो यहाँ पे क्या है सही मुतबाद क्योंकि शायर के साथ सारी कायनात उसके गम में सोगवार है इसीलिए उसकी सोगवार होने की वजह से उसके साथ और साथ वो सब सोगवार है इस वजह से उनके भी चेहरे उतरे हुए हैं जैसे मैं उदास हूँ वैसे सब उदास है अब बात है आगे शायर किस चीज का शिकार हुआ है हम कह रहे थे कि वही वफा की जिद है जफा जफाए जमाना यहाँ पर जफाए रोजगार की बात नहीं है हम अगर अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो आसानी समझ सकते हैं कि सही जवाब क्या है इसमें हमें ज्यादा वक्त नहीं जाया करना है क्योंकि वक्त का भी हमको वहां पर ख्याल रखना होगा शायर की परवरिश कहाँ हुई है तो हम कह रहे थे कि भाई खिजा की गोद में हुई है वो बाहर में नहीं पला पड़ा है अब आते हैं हम अपने इकतबास की तरफ दर्ज झेल इकतबास का मुताला करना है बगौर बगौर बार बार इसीलिए कहा कि आप अगर ढंग से एक बार पढ़ें वो बेहतर है कि आप बहुत जल्दी से पढ़ लें और फिर दोबारा सवाल पढ़ें तो फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़े ये आपके साथ नहीं होना चाहिए आपको चाहिए कि पहले ही उसे मुनासिब अंदाज में पढ़ने के ख्वाब बुनना दोनों कलाइयों में टॉफियां पहन उनके बावजूद रवि स्कूल ना जाने के लिए मचल मचल जाना बच्चों की इन कोशिशों के बावजूद नाम ने हाँ बड़े बच्चों की दुनिया करने में नाकाम रहे दुनिया के लिए चोड़े, लंबे चौड़े इंपोजिट पार्क बशमूल अमेरिका के डिज्नी लैंड में भी बच्चों को बिलक बिलक कर रोते देखा गया है बच्चों का अदब लिखना इंतहाई मुश्किल काम है जितना स्नाफ सुखन में नाथ लिखना कुफर और शिक्र के दहते अलाव पर बने तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक रास्ते पचल कर इश्क रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वादी में कदम रखना होता है बिल्कुल इसी तरह बच्चों का अदब तहरीर करते वक्त अपने उम्र बालिक नफ्सियात को फ्रिज के बर्फ साज खाने में रख कर यानी कि सर्द खाने में जो फ्रीजर होता है उसमें रख कर तार पर कसरत करनी पड़ती है घटनों के बल रेंगना पड़ता है कमरे में अपने आप को बंद करके रोना और हंसना पड़ता है यहाँ पे कुछ लिखने में गलती हुई है टाइपिंग मिस्टेक है हंसना है ये बहना नहीं है तो यहाँ पे खाब हंस में हंसना रो पढ़ना और स्कूल ना जाने के लिए मचलना इसे इस मुसन्फ ने क्या कहा है बच्चों की आदत बच्चों की नफसियात बच्चों का पैदाइशी हक या बच्चों की खासियत तो भाई बच्चों की पैदाइशी हक होता है कि वो रोते ही हैं यहाँ पे ये यह कह रहा है कि वो डिज्नीलैंड के भी बच्चों को देखा जहाँ डिज्नीलैंड तो बच्चों के लिए बहुत मशहूर है मिक्की माउस की सरजमीन तो वहाँ पर भी बच्चे स्कूल जाने के लिए रोते हैं तो भाई ये तो बच्चों की पैदाइशी हक है क्यों वो स्कूल जाने के लिए रोते ही है असनाफ सुखन में सबसे मुश्किल फन क्या है अब देखें जी वो क्या ऊपर कह रहा है कि नात लिखना बड़ा मुश्किल बात है यहाँ पर हम एक पेचीदगी का शिकार हैं कि वो ऊपर कह रहा है कि नात लिखना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल है ये बच्चों का अदब लिखना क्यों क्योंकि हम बड़े होते हैं लिखने वाला बड़ा है मगर पढ़ने वाले जो हैं वो बच्चे हैं तो बच्चों की नफसियात लिखते वक्त बच्चों के तर्ज से सो सोचना पड़ता है बिल्कुल उसी तरह ये मुश्किल है जितना कि नाते रसूल लिखना मुश्किल है क्यों क्योंकि नाते रसूल लिखते हुए हमें कुफ़र आश्ल से बचना बहुत ज़रूरी हो जाता है तो बात यहाँ पर वो ये नहीं अब देखें हम अपने सवाल को अगर ब़ौर नहीं पढ़ते हैं तो हमारा पूरा बेड़ा गर्क हो सकता है क्यों क्योंकि यहाँ पे वो ये नहीं कह रहा कि मुसन्फ़ के नज़दीक सबसे मुश्किल फन क्या है नहीं जी वो क्या कह रहा है असनाफ सुखन में सबसे मुश्किल फन क्या है वो ये नहीं कह रहा है कि मुसनफ़ के नजदीक क्या है तो भाई असनाफ सुखन में रुबाई कहना मुश्किल है मसनवी कहना मुश्किल है कि गजल कहना तो भाई गजल कहना मुश्किल है ये बात एकदम ज्यादा सोफीसद सही है कि गजल कहना बहुत मुश्किल फन है क्यों क्योंकि एक तो हमें उसमें रदीफ़ और काफिया की पाबंदी करनी होती है वो तो हमें रुबाई मसनवी में भी करनी होती है नात में भी करनी होती है मर इसमें औज़ान की भी पाबंदी करनी होती है पूरी गज़ल में रदीफ़ो काफिया एक ही होते हैं नज़म में बदल जाते हैं बंद के हिसाब से रदीफ़ और काफिया की भी पाबंदी करनी है हमको फिर उसके अलावा मौजूई आज़ादी भी होती है अगर हम देखें तो नजमों में ये चीज नहीं होती कि भाई एक ही क्या होता है कि भाई जब गजल होती है ना उसका हर शेर मानवी लिहाज से आज़ाद होता है के लिहाज से आज़ाद होती है यहाँ पर मतलब बहुत से मौजुआत उठाने होते हैं तो गजल कहना असनाफ सुखन में सबसे मुश्किल फन है तो आप लोगों ने नात नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे मुसनफ़ के नजदीक नहीं कह रहा है मुसनिफ ने बच्चे को रोते बच्चों को रोते हुए कहाँ देखा है तो डिजनीलैंड में भी देखा है बच्चों का अदब तहरीर करते वक्त क्या करना पड़ता है अपनी उम्र और बालिग नफसियात को काबू में बच्चा तो बच्चे का अदब लिख नहीं रहा है हो क्या रहा है मसला कि बड़े लिख रहे हैं तो जब बड़े लिख रहे हैं तो उनको अपनी बच्चे की नफसियात को समझ कर लिखना चाहिए कि भाई बच्चा क्या सोचता मैं जो सोच रहा हूँ वो नहीं लिखना है पैरेग्राफ में ग़ज़ल का ज़िक्र नहीं है मगर यहाँ पर कहने वाला ये नहीं कह रहा है कि मुसनफ़ के, के नज़दीक क्या बात है वो कह रहा है कि भाई आप असनाफ सुखन में कौन सा मुश्किल तरीन है वो ये नहीं कह रहा है कि मुसन्फ़ के नजदीक क्या है तो इसीलिए कहा जाएगा कि गजल है हाँ अगर वो ये कहता मुसनफ क्या कहता है तो अलग बात हो जाती अब है अपनी उम्र बालिग वादी वाह वाह इन दोनों लफ्जों में खत कशीदा हरफ की मुनासिबत से दर्ज झेल में से कौन सा मुतबाद दुरुस्त होगा वादी वाह वाह यहाँ वाह देखिये जी वाह अलीफ और ये हरफ इल्लत होते हैं ये तो हम जानते हैं मगर इस हरफ इल्लत के भी दीगर कवानीन होते हैं जैसे कि यहाँ पर देखें वादी और वावा दोनों में वाव जो है अलीफ से पहले आ रहा है अगर वाव अलीफ से पहले आ जाता है तो वो अपनी आवाज को बदल कर हरफ सही बन जाता है हरफे नहीं रहता हरफे सही बन जाता है तो अगर हम चारों ऑप्शन का मुताला करें यहाँ वाव हरफ सही के तौर पर इस्तेमाल किया गया है ये बात है या हरफ इल्लत या वाव की आवाज साकिन वाव साकिन तो बिल्कुल नहीं हम पूरी पूरी तरह से अदा कर रहे हैं वादी तो यहाँ पर त नहीं है हरफिर सही के तौर पर ये इस्तेमाल किया गया क्योंकि वाऊ से पहले बाद में आ रहा है अलीफ तो हम यहाँ पर ये कानून हमें जाने इसके लिए कवायद आपको आना चाहिए मुकम्मल तौर पर अगर आप कवायद जानते हो तो आप ये समझ सकते हैं कि वादी और वाह का जो जिक्र है यहाँ पर अलीफ से पहले वाव है इसलिए ये हर सही में बदल चुका है कवायद का मामला ऐसा ही रहता है कि एक ही उसूल दूसरी चीज पर बदल जाता है हम एक ही उसूल को लेकर नहीं चल सकते कि भाई ये हर इल्लत है तो हरफ इल्लत ही है ना वाकिफ ना काम ना हिल इन अल्फाज में ना क्या है ये तो एकदम बच्चों वाला सवाल है मगर हम वजाहत करते चलेंगे कि भाई सबका लाहेका, का मरकब मुफरत क्या होते हैं यहाँ पर अगर क्लास के जो होंगे मैं कल ही बता चुकी हूँ कि सबका क्या होता है सबका लफ्ज बना है सबक लाहेका बना है लाहक से अगर सबक और लाहक देखा जाए तो सबक का मतलब ही पहला तो सबिक सबक दोष हम अक्सर कहते हैं कि सबक दोश इस के तकरीब है या वो सुबक दोष हो गए वो साबिक प्रिंसिपल हैं तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं पहले थे अब नहीं है लाहक लाहक का मामला क्या होता है बाद में होता है कोई भी चीज बाद में जैसे कि हम कहते हैं उसे बीमारी, बीमारी लाहक हो गई है तो लाहक क्या हो जाता है लाहक बाद में हो जाता है मतलब वो बीमारी लेकर ही नहीं था बाद में उसको हुई है वो बीमारी तो हम लाहक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं लाहका यानी बाद में मुरक्कब यानी कि होता है दो या दो से जायद मगर यहाँ पर मुरक्कब नहीं है क्यों क्योंकि ये दो या दो से जायद उस वक्त माने जाते जैसे कि तबस्सुम, फातमा इस तरह नाम होता है अब ये क्या है मुरक्कब लफ्ज हो गया है मगर ये दो इसम का मजमुआ है ना के साबिक का एक वहां पे तो ना, ना ना हर एक के साथ लगा हुआ है मुफरद यानी कि सिंगल सिंगल भी नहीं है वो लोग तो यहाँ पर क्या है पहले लगा हुआ पहले लगाया हुआ अब है फूलों की भीनी भीनी खुशबू से बाग महक रहा था हत कशीदा लफ्ज की मुनासिबत से की मुनासिबत से सही मुतबल पहचाना है जुमला तवील हो गया है यह तो कोई बात नहीं हुई कि भाई जुमला तवील हो गया है कोई वजह थी कि वो दो बाल लगा हुई भर्ती के अल्फाज भर्ती के अल्फाज भी नहीं क्योंकि भर्ती के अल्फाज वही वही तो नहीं होते तकरार लफ्जी से जोर बयानी बढ़ती है अगर आप हुन बयान की आपने इम बयान का मुताल किया हो तो आप ये जानते हैं कि तकरार लफ्जी से जोर बयानी क्या हो जाती है बढ़ जाती है किसी भी लफ्ज की तकरार करने से वो इंसान के जहन में आ जाता है और वो उस माहौल को महसूस जैसे फूलों की भीनी खुशबू से बाग महक रहा था तो यहाँ पर जोर नहीं पड़ा ना कि भीनी भीनी खुशबू से वो क्या करना चाह रहा है वो जोर देना चाह रहा है कि वाकई बाग में बहुत खुशबू थी तो यहाँ पर जोर बयानी बढ़ती है हुसन बयान की सलाहियत है ये हुसन बयान के जमन में आता है अल्फाजों का भेजा इस्तेमाल हुआ नहीं भेजा इस्तेमाल तो नहीं कहा जाएगा भर्ती के अल्फाज भी नहीं है ये जुमला तवील इस तरह से तो नहीं होता कि भाई कोई अगर बयान करे तो जुमला तवील इतना भी कोई खास तवील नहीं हुआ है अब है तकर बहाने करना की मुनासिबत से दर्ज जेर में से कौन सा माहौरा इस्तेमाल होगा अगर हम महावरा को देखें तो माहवरा होता है ऐसी बात करना जो अपने मजाजी माना में समझ में आए मजाजी माना यानी कि जो कहा जा रहा है वो नहीं समझना जैसे आप तो मेरे सर ही चढ़ गए इसका ये मतलब नहीं कि सामने वाला मेरे सर पर चढ़ चुका है ऐसी बात नहीं होती मजाज यानी छुपे हुए खुफिया माँ मजाज का मतलब होता है झूठ मगर ये जो बात की जा रही है वो झूठ है कि भाई मेरे सर पे नहीं चढ़ चुका है बात ये होती है कि हम उसको अगर अंदर से महसूस करें इसके छुपे हुए माना पे गौर करें तो बहाने करना के लिए कौन सा मुहावरा आएगा एक ना हम ये कह रहे थे कि मुहावरा ये होता है अब कहावत होती है जरबुल इमसाल जरबुल इमसाल का मामला ये होता है कि मुहावरा समझ रहे थे तो कहावत भी समझ लीजिए कि कहावत है जरबुल इमसाल जरब यानी के बार बार जरब लगाना क्या होता है बार बार दोहराना और इमसाल का मतलब हो, मिसाल की क्या है जमा है बार-बार इमसली बार मिसाल क्या बन जाती है कहावत बन जाती है जिसकी लाठी उसकी भैंस ये क्या है एक तरह की कहावत है हमेशा से ये वाक्य समझा जाता कि भाई जिसकी ताकत है वही की सब चलती है तो ये माह जैसे कहावत का मामला है कि मिसाल है तो मुहावरे का मामला ये कि कहा कुछ जाता है समझा कुछ जाता है जैसे बहाने करना एक ना चलना आना कानी करना काम का ना रहना नामो निशान मिटना देखिए जी बहाना करना क्या होता है कि बंदा क्या कर रहा है आना कानी कर रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसा है मैं मसरूफ हूं या इस तरह से तो ये जो होती है एक ना चलना किसको कहते हैं कि हमारी एक ना चली और वो ये काम कर बैठे वो बहाने से इसका ताल्लुक नहीं है काम का ना रहना ये भी गलत है काम का ना रहना अलग बात होती है कि वो काम वो कर ही नहीं सकता म बहाने करने की बात ये है कि वो आना कानी कर नामिशान नाम निशान की तो कोई जिक्र ही नहीं था तो वो ऑप्शन भी एकदम गलत ही है अब आते हैं हम मैं आप लोगों को इससे पहले भी कह रही थी कि आप लोगों को वाहिद जमा सही अंदाज में समझना जरूरी है नंबर आठ तालीमत खिदमात इन अलफाज में अलीफा आने से इन अल्फाज में क्या तब्दीली पैदा होती है ये हमको समझना है ब्लर दिख रहा है जी अच्छा तो हम इसको देखते हैं कि किस तरह से सही होता है ये अब ठीक दिख रहा है तो नंबर आठ में खदमाजीफ और ता लगाने से इन अल्फाज में क्या तब्दीली पैदा होती है इन अल्फाज तमाम अल्फाज मरबूत हो गए मरबूत का मतलब होता है हमारा मरबूत का मतलब होता है रबत जोड़ना क्या अलीफ और ता लगने से ये कुछ जुड़े कहीं पे कहीं जुड़ाव दिख रहा है नहीं जमा में तब्दील हो हुए बाकी का ऑप्शन भी देख लीजिए आप लोग के वाहिद में तब्दील होगा या मज़गुरा वाला तीनों तीनों तो सही हो नहीं सकता या तो वाहिद हुएंगे या तो जमा हुएंगे मरबूत का तो सवाल ही नहीं उठता और वाहिद अगर वाहिद देखा जाए तो नंबर तालीमात और खिदमात ये सब अपने आप में जमा है अगर इसके लिए अगर आप सही वाहिद जमा से वाकिफ है तो ही आप पहचान सकते हैं अगर आप खुद ही ना वाकिफ है तो आप किस तरह अगर आप नंबर नंबर की जमा नंबरों कहते हैं तालीम की जमा तालीमी या कुछ और कहते हैं या तो फिर खिदमत है तो कहते हैं तो आप कभी नहीं समझ सकेंगे कि भाई ये जमा है यहाँ पे अलीफ और ता लगाने से अल्फाज जमा हो गए हैं तो आप लोगों को वाहिद जमा का इल्म होना इसके लिए जरूरी है अब आते हैं जिस जुमले में किसी काम के करने या ना करने का हुक्म दिया जाता है वो क्या होता है देखें जी यहाँ पर सीधी सीधी सी बात है कि करने या ना करने यहाँ पर है काम यहाँ पे किसका मतलब होता है काम फजाइया अमरिया इस्तीफामिया या बयानिया अमर ये जो लफ्ज है ना अमर का मतलब ही काम होता है आपका यह अमर बहुत तकलीफदार है या आपका यह अमर खुश को है यह काम खुशकना है तो अल्फाज माना का इल्म है अगर आपको तो अमर और अगर अल्फाज माना के तरीके से नहीं आप ये चीज़ समझना चाहते तो इस तरह से समझें कि फजाया जुमला जो होता है उसमें ये, ये अलामत रहेगी इस्तेफामिया जुमला रहेगा तो भाई सवाल रहेगा बयानिया जुमला रहेगा तो नहीं रहेगा सादा बयान रहेगा कि मैंने खाना खाया यहाँ पे सीधी सीधी सी बात होगी काम करने का यहाँ पे सादगी सादा जुमला भी नहीं है कोई बात बयान नहीं की जा रही है बयान बात का बयान होता है यहाँ अमरिया जुमला है अमरिया जुमला होता है वो जुमला जो काम के करने या ना करने का हुक्म दिया जाए जैसे बुजुर्गों का एहतराम करो या तुम खबरदार जो इस चीज को तुमने हाथ लगाया तो यहाँ पर जो हम रोक रहे हैं या करने का कह रहे हैं वो होता है अमर ये काम से है मरबूत काम ही से अमर लफ्ज बना हुआ है दर्ज ज़ेल में से कौन सा मुतबादिल शमसी हरूफ की शनाख्त करता है अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुकूंगी के शमसी हरूफ और कमरी हरूफ ये तो ऐसा हो गया है कि हर पेपर में पूछे जाते हैं इसलिए आप इसको समझ लें अगर अच्छे से तो आपके हक में बहुत बेहतर है आपके कुछ मार्क्स महफूज हो जाएंगे और उसके अलावा आपके इल्म में भी इजाफा होगा हम जो इल्म हासिल करते हैं वो इसलिए सिर्फ नहीं करते कि हमको मार्क्स मिल जाए और हम कामयाब हो जाए हम इसलिए भी करते हैं कि हमारे में इजाफा हो जाए तो देखें जी हम आते हैं हरूफ शमसी की तरफ शमसी हरूफ क्या होते हैं और कमरी हरूफ क्या होते हैं इसको इस तरह से समझें कि अलीफ लाम यहाँ पर पढ़ा नहीं जाता और यहाँ पर अलीफ लाम पढ़ा जाता है क्लास में हम इसका तफसीली मुता किए थे कि अगर किसी हर्फ के आगे पीछ मतलब उसके पीछे अलीफ लाम में लगा दूं और वो पढ़ा जा रहा हो तो कमरी अशम्स और यहाँ पे अल कमर तो यहाँ पे अल कमर मैं कह रही हूं अलीफ लाम पढ़ा जा रहा है अशम्स आ रही हूं, लाम को मैं हटा दे रही हूं अशम्स तो यहां पर नहीं पढ़ा जा रहा है तो शीन क्या हो गया शमसी हो गया और काफ क्या हो गया कमरी हो गया इसी तरह से हम हर लफ्ज का मैं आप लोगों को माना दूंगी अगर आप लोग शमसी और कमरी हरूफ को वाकई समझना चाहते हैं तो उसे उर्दू के जरिए नहीं आपको अरबी के जरिए समझ में आएगा कि ये वाकई में है या नहीं है अब यहाँ पर पहला है हमारा ऑप्शन में अलीब बाजीम है हमारे पास अभी वक्त है तो इसे तफसील से समझ लेते हैं वहां पे आप लोगों को एक एक लफ्ज को लेकर नहीं बैठना है कि महिलाओं सब का तजिया करो नहीं और हर ऑप्शन में से एक लफ्ज को भी अगर आप पहचान लेते कि भाई ये कौन से हैं तो आप बता सकते हैं कि कौन सा मुतवाद क्योंकि ये सब जितने हैं चारों के चारों या तो कमरी होंगे या तो शमसी होंगे तो आप किसी एक को भी समझ लिए तो आप कह सकते कि भाई इसमें तो सारे कमरी है इसमें भी सारे कमरी हैं इसमें भी सारे कमरी है बाकी जो बच रहा है वही सही है मार इस तरह से अभी यहां पर वक्त है तो यहाँ पर समझाया जा सकता है कि अलीफ अलीफ अगर लगता है किसी भी लफ्ज के पीछे तो जैसे कि अगर मैं कहूं अब्दुल अहद तो मैं अब्दुल अहद में अलीफ लाम जो लग रहा है उसमें मैं पढ़ रही हूं अब्दुल अहद तो यहां पर ये यह जो अलीफ लाम अलीफ से पहले आ रहा है अब्दुल में वो पढ़ा जा रहा है यानी कि ये क्या हो गए कमरी हो गए बे है अब्दुल बारी यहां पे बे से पहले अलीफ लाम है अब्दुल बारी मैं कह रही हूँ लाम को नहीं कर रही हूं तो ये भी कमरी हो गया ये भी कमरी हो गया जीम का भी मिसाल ले, ले लेते हैं जैसे के अल जलाल वल इकराम कुरान की जब हम पढ़ते हैं तो अल जलाल कहते हैं अजलाल अज नहीं कहते हैं तो यहाँ पे जीम भी कमरी हो गया अल हलाल लिखा होता है ये भी वो हो गया कमरी तो ये सारे कमरी है ये हमारा सही नहीं है गयेन की तरफ आते हैं तो हम गयेन के लिए मिसाल लेंगे अलगा फिर अरबी में फौरन समझ जाता है पढ़ा जा रहा है तो ये भी नहीं है फे हो गया तो फे के लिए हम मिसाल लेंगे मिसालेंगे फलक से अलफलक कहते हैं अब फलक नहीं कहते जबकि अन्नास कहते हैं सूर्य नास को जब पढ़ते हैं तो अन्नास बिन नास जबकि अलफलक में अल पढ़ते हैं तो यहां पर फे क्या हो गया है हमारा कमरी हो गया है क्योंकि यहाँ अलफल कह रहे हैं अलफलाम पढ़ा जा रहा है काफ अल कमर भी पढ़ रहे हैं तो काफ भी कमरी हो गया का ये छोटे काफ की बात की जाए तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि अल हाकिम तो यहाँ पे भी पढ़ा जा रहा है ये हमारा ऑप्शन भी गलत हो गया है मीम की तरफ आते हैं तो मीम के लिए भी तजिया कर लेते हैं अभी वक्त है तो मैं एक एक लफ्ज का तज्जिया करके बता रही हूं जब वक्त नहीं होगा तो आपको एक ही फटाफट समझते जाना है कि नहीं भाई एक अगर ऑप्शन के चारों का करने जाए अगर आप एक का भी समझ लेते कि भाई ये कमरी है ये कमरी है ये कमरी है या कोई भी कमरी आप पहचान लेते तो फौरन आप समझ सकते कि सही जवाब क्या है आलम मगरब कहते हैं हम अब मगरीब नहीं कहते तो यहाँ पर मेम हमारा क्या हो चुका है कमरी हो गया है वाव अलवाहिद अलवहद ये इस तरह से देखते हैं तो वाहिद भी हमारा कमरी है ये दोनों गलत हो गए है कि अलहादी ये भी गलत हो गया और ये है हमारा आखिरी ऑप्शन ये हाँ कि नहीं है ये है तो अल यहाँ पर ये के लिए हम देखेंगे अलयाम आखिरा तो यहाँ पर हम ये भी कवरी है तो ये तीन ऑप्शन गलत तो आते हैं हम ये है हमारा शमसी अब शमसी कैसे है ये अशम्स अगर हम देखें तो यहाँ पे अशम्स मैं कह रही हूं अल शम्स नहीं कह रही हूं स्वाद को देखें तो असद अस अमूमन हम देखते हैं कुरान पढ़ते हुए कि असादक़ात अस यहाँ पे अस कहते हैं अल सादकात नहीं कहते स्वाद भी शमसी है शीन भी शमसी है सुद की तरफ आते हैं तो जुआद के लिए अजौली आमीन जब हम कहते हैं सूर्य फातह में तो अजौलीन कहते हैं अलजलीन नहीं कहते हैं और तोय के लिए हम ले लेते हैं अतयूर परिंदो अतयूर कहते हैं तो हमारा ये ऑप्शन है सही अरबी हरूफ से हम बसानी पहचान सकते हैं कि कौन शमसी है कौन कमरी है ये आप लोगों को मैं इसलिए इतने तफसील से ये समझाई हूँ ताकि आप लोग पहचान सके आपके भी इन इजाफा हो कि लाम पढ़ा किस तरह जा रहा है किस तरह नहीं पढ़ा जा रहा है अरबी की मदद से ये बसानी समझ में आ जाता है दो जुमलों को जोड़ने के लिए जो हरफ अतफ के इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं यहाँ हरफ अतफ वो खुद ही कह रहा है कि भाई ये हरफ अतफ है ये जोड़ता है Osionfish. तो ये देखे काफी अतफ है काफ काफी यहाँ पे अतफ खुद ही कह रहा है तो ये जवाब तो है ही नहीं काफी बयानिया ये बयानिया जैसे कि कोई जुमला होता है ना मुझे इल्म हुआ के आप वहां गए थे अगर मैं सिर्फ इतना मुझे इल्म हुआ के तो सामने वाला पूछेगा ना क्या इल्म हुआ आपको और अगर मैं कहूँ कि आप वहां गए थे तो क्या बोलना चाह रही हो मैं तो समझ नहीं आ रही है बात तो जब मैं कहूँगी मुझे इल्म हुआ कि आप वहां गए थे तो बात समझ में आ रही है तो ये जोड़ने का काम कर रहा है जो का जोड़ने का काम करता है उसे कहते हैं हम काफे एक मिनट हाँ हम फिर से ऑप्शन की तरफ आते हैं यहाँ पे हमारा है काफ़े अतफ अतफ गलत है क्योंकि वाव वे अतफ होता है काफ़े अतफ नहीं होता अब नीचे की तरफ हम ऑप्शन को देखते हैं। फिर अपने जवाब की तरफ आएंगे काफ़े ऐलानिया यहाँ पे कोई ऐलान हो रहा है काफ़े ऐलानिया तो सिरे से कुछ होता ही नहीं है कोई लफ्जी नहीं है काफ़े ऐलानिया तो ये भी गलत है काफे नून काफ और नून का क्या जोड़ ये भी गलत है काफे बयानिया ये जवाब हमारा सही हो जाता है टाइगर की क्यादत में आपने ठीक ठीक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई टाइगर की क्यादत और फैसले में वो बात थी जिस बात की का मुखालिफ भी करार कर ले अब देखें आपको वही बात है कि माना समझ लेना है जब माना समझ आते हैं तो आप आसानी पहचान सकते हैं कि पासा पलटना सरफराज ये सब चार हमारे को मुहावरे दिए गए हैं पासा पलटना क्या होता है पासा पलटना होता है बाजी पलट देना आपने आते ही पासा पलट दिया यानी कि आपने आते ही क्या की बाजी पलट दी सरफराज करना यानी के इज्जत देना जादू वो जो सर चढ़कर बोले यानी शहर जदा हो जाना और मुखालिफत ना कर पाना जब जादू क्या होता है क्या कहते हैं लोग जादू के जरिए जादू के जरिए वही करते हैं कि हमें हाँ मिलाए जादू क्या जब इश्तेहार भी आता है काले वुलूम वगैरह का तो क्या लिख रहता है महबूब कदमों में यानी या जो आपकी बात नहीं सुन रहा है वो आपके कदमों में आ जाए आप इतनी सुनने लगे तो ये जो चीज है धजिया उड़ाना यानी के तबाह कर देना आप उसने उसकी, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी गई बिल्कुल तबाह कर दी गई कर तबाही हो सकती है या तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि चूर चूर कर देना खत्म कर देना तो यहाँ पे देखें जी क्या बात हो रही है टाइगर की कयादत और फैसले में वो बात थी कि मुखालिफ मुखालिफ यानी कि इख्तिलाफ करने वाला जो इख्तिलाफ करता है वो भी ऐसा हो जाए कि वो भी बात को कबूल करे तो वही मैं कह रही थी कि जादू जो वो जो सर चढ़कर बोले यानी कि मुखालिफ भी आपकी बात जादू की बात ही ऐसी होती भी बात तो यहां क्या है जादू वो जो सर चढ़कर बोले यानी कि मुखालिफ भी आपकी बात को मानने पर मजबूर हो जाए उसके ऊपर भी आपका असर अंदाज हो जाए तेरी ताकत नमूने कुदरत इलाही है यहाँ पर क्या हो रहा है तेरी तेरी ताकत कुदरत नमूने कुदरत इलाही है ये मुफरत जुमला है मुरकब जुमला है मखलूत है क्या अमरिया है मरकब तो हो नहीं सकता क्योंकि एक ही सिंगल जुमला है यहाँ पे कोई और जुड़े हुए नहीं है मखलूत भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर के लगा के कुछ भी नहीं आगे लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये यह मखलूत भी नहीं है अमरिया भी नहीं है क्योंकि काम की बात भी नहीं कि तो तुम ये करो तुम ये क्यों नहीं किए तो सीधी सीधी बात है कि मुफरत जुमला है सीधा सा जुमला है ये कि भाई तेरी ताकत दमोन कुदरते लाई है मुफरत अकेला एक सिंगल जुमला है ये अब आते हैं जोकर के सर पर जापानी टोपी थी इस जुमले में सिफत की कौन सी किस्म का पता चलता है सिफत जाति सिफत मकदारी सिफत नस्बती के सिफत अदी अगर लिखा होता कि जोकर के सर पर मैं अभी आपको बताती हूँ हाँ जी सर पर दो टोपी थी तो मैं कहती कि यह अददी है अदद होते वन टू थ्री ये जितने आदाद होते हैं वो होते तो मैं क्या कहती कि भाई सिफत अददी है सिफत यानी कि खूबी खत खूबी अच्छाई के माने में नहीं खसूसियत के माना में है इसलिए सिफत का अगर आप पढ़ें तो ये समझ कर पढ़ें कि सिफत का मतलब होता है खसूसियत और तो यहाँ पर अदद नहीं है तो ये गलत हो गया नस्बती मकदार यहाँ लिखा है कि भाई एक ग्राम की टोपी थी कोई ग्राम कोई कमियत कोई कुछ लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये सिफत मकदार भी नहीं है कोई मिकदार का जिक्र सिफत सी, जो करके अपने खूबी तो नहीं है कि टोपी उसकी ज़ात से वो नहीं है कि उसकी अपनी हिस्सा नहीं है वजूद का कि जो करके कामत बहुत अच्छी थी यहाँ पे सिफत नहीं है उसकी जाती चीज़ नहीं है यहाँ जापान से नस्बत दी जा रही नस्बत क्या होती है नस्बती लफ्ज जो बना है नस्बत से बना है नस्बत होता है मनसूब से अगर आप देखें तो मशत अल्फाज भी आपसे पूछे जाते तो कैसे अभी मैं आप लोगों को कह रही हूँ नस्बती नस्बत निज़बत, मनसूब ये सब एक दूसरे से क्या है मशतक है मनसूब की मंगनी को भी कहते हैं कि भाई उसकी नस्बत उससे तय है यानी कि वो उससे जुड़ा हुआ है तो किसी भी चीज की नस्बत अगर कोई अपने अलीगढ़ ही लगाते हैं अलीगढ़ वाले अलीगढ़ ही लगाते हैं उसके अलावा जो वो होते हैं कोई इलाके से होते दहलवी यानी कि उनको कहाँ से जुड़े हुए हैं वो दहली से जुड़े हुए हैं अलीगढ़ वाले अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं तो ये जो नस्बत होती है तो ये क्या है टोपी की नस्बत क्या है जापान से है वो तो यहाँ पर सिफत नस्बती है अब आते हैं हम उन्हें एक अच्छी जगह पसंद आई जगह अच्छी जगह पसंद आई जो सिफत के साथ आया उसे क्या कहेंगे सिफत क्या है खत कशीदा क्या है जगह है अच्छी क्या है सिफत हमसे हम क्या अच्छी के नीचे खत कशीदा नहीं किया है वो बोल रहा है खत कशीदा लफ्ज जो सिफत के साथ आया उसे क्या कहेंगे सिफत नहीं हो सकता जगह सिफत नहीं है अच्छा होना उसकी सिफत है मौसूफ इसम इस जगह की जगह ताज महल होता कोई जगह मुकाम का नाम होता तो मैं क्या कहती कि ये क्या है इसम है इस्म नहीं है जगह नाम नहीं है मफूल मफूल भी नहीं है उस जगह पे ऐसा होता कि भाई के सड़क पर एक्सीडेंट हो गया यानी कि वो वो मफूल, या फिर वो काम करने वाला भी नहीं है कोई उस पर फेल नहीं हो रहा है कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर काम नहीं हो रहा है और तो क्या है ये मौसूफ है या जिसकी सिफ हम एक उसूल ये जान लेते हैं साथ ही कि जिसकी सिफत बयान की जाए उसे क्या कहते हैं मौसूफ कहते हैं अगर आप लोग नावेल पढ़ते हो या कुछ सुनते हो ऐसे लोगों को जो अच्छी उर्दू का इस्तेमाल करते हैं तो वो कहते हैं कि मौसूफ ने बजा फरमाया मौसूफ हमारे दरमियान है यानी कि जिनकी हम तारीफ़ कर रहे हैं जिनकी खूबियों का जिक्र हो रहा है जिनकी खसूसियत का जिक्र हो रहा है वो हमारे सामने मौजूद है या वो आज नहीं आए मौसूफ ने आज नहीं आए तनजियता भी कहते हैं मौसूफ गायब थे किसी वाक्य का हाल सुनाना क्या कहलाता है माजरा मैं अपना माजरा सुनाती हूं यानी कि मैं किसी वाक्य का हाल सुनाती हूं मगर अब पूछ हमसे ये रहा है किसी बात का बार बार जिक्र करना तो देखे सानेहा क्या होता है कोई दुख भरी दास्तान या वाकया या किस्सा चर्चा किस्सा किस्सा क्या होता है भाई कोई कहानी नुमा या अफसाना यानी झूठ पर मबनी फर्जी कहानी आप लोगों को समझ आ रहा हो तो बताएं हाँ जी समझ आ रही है झूठ पर मबनी कहानी अगर मैं किसी बात का बार बार जिक्र करी हो तो क्या झूठ पर मबनी कहानी है नहीं जी किस्सा है नहीं वो मैं तो बात का जिक्र कर रही हूँ एक बार करती तो शायद किस्सा होता मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ दुख भरा भी हो जरूरी नहीं हो जाता बहुत खुशी वाली बात हो तो ये क्या हो गया चर्चा बार बार जिक्र करा जाना चर्चा हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता यानी कि बार बार जिक्र नहीं होता हम करते हैं तो बार बार इतना जिक्र होता कि हम बदनाम हो जाते हैं कि भाई ये तो बड़े ही आ कर रहे हैं बड़ा जून का दुख भरा दिन चल रहा है ये तो हर बात पर अफसोस कर रहे हैं वो कत्ल भी कर देते हैं वो इतना गलत कर दे रहे हैं कि कत्ल कर दे रहे हैं मार कोई जिक्र नहीं करता हम इसलिए जालिम तेरा चर्चा नहीं करते आशिक कभी आशोक को तो रसुआ नहीं करते यानी हम बार बार तेरा चर्चा इसलिए नहीं करते बार बार तेरा जिक्र इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम तुझे रसुआ नहीं करना चाहते तो बात जो बार बार जिक्र की जाए वो चर्चा कहलाती है तो यहाँ पे हमारा चर्चा जवाब सही है मुलहका यानी कि जुड़ा हुआ कहते ना वो उसके मुलहक है उसके दुकान से मुलहक घर है और क्या है जिसका मतलब है मिलाप एहतजाज का मतलब मिलाप होता है नहीं जी एहत का मतलब तो होता है कि हम अपने उससे को दर्ज कराएं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो या कोई भी एहतजाज कोई मकसद के तहत होता है तो उसमें तो मिलाप नहीं होता उसमें तो उल्टा टूट तो फूट की बात होती है मिलाप वाली बात नहीं रहती वहां पर मुन यानी कि तकसीम करना मिलाप तकसीम नहीं करता जोड़ता है और है मुबर्रा मुबर्रा करना यानी अलग कर देना वो गम से मुबर्रा हो जाए वो खुशी से मुबर्रा हो गया मिलाप क्या होता है मिलाप हमको ये जो पहली मिसाल दी जाती है वो बताती है कि अल्फाज जिद बनाना है कि अल्फाज का अपोजिट बताना है जी बहुत शुक्रिया अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है मुलहका यानी कि जुड़ा हुआ है यानी कि हमें हम माना बताना है इसके माना ही बताना है एक तरह से तो इम्तजाज के माना मिलाप होते हैं कहते हैं ना कि दुख और खुशी का इम्तजाज इसके चेहरे या धूप और छाओ का इम्तजाज बहुत मशहूर चीज है कि धूप और छाओ का इम्तजाज तो ये जो होता है ना मिलाप होता है शाम के वक्त तो हम कहते हैं अक्सर के भाई अंधेरे और रोशनी का से और हम अक्सर कपड़ा भी लेने जाते तो कहते हैं कि ये दो कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन लव हम बहुत इस्तेमाल करने लगे इस वजह से इम्तजाज लव इस्तेमाल नहीं करते कॉम्बिनेशन मिलाप ही इम्तजाज है अब हम अपने आखिरी जो आते हैं फिर अगला पर्चा हम अगले वीक करेंगे रुबाई में कुल कितने अरकान होते हैं तो रुबाई में कुल चौबीस अरकान होते हैं चार मिसरे पर मबनी होती है चौबीस अरकान होते हैं चार मिसरे होते हैं इसमें पहले और उसमें हम देखेंगे तो लदीफो काफिया की पाबंदी की भी जाती है और दूसरे मिस पहले दूसरे आखिरी मिसरे में की जाती है बाकी औजान की पाबंदी की जाती भी है नहीं भी की जाती है मगर चौबीस होते हैं अरकान ये आपको याद रखना है आज का हमारा यहाँ पर अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए और अगला पर्चा हम अगले हफ्ते हल करेंगे कोई का कोई सवाल है यही के ताल्लुक से जो पिछली कोई सवाल नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा कि क्या मसला है इस तरह से तीस मार्क्स होते हैं आपके उर्दू के अगर आपकी मादरी जबान उर्दू है तो आप आसानी पच्चीस तो ले ही सकते हैं अगर पांच गलत भी निकल गए तो पच्चीस की तो गुंजाइश रहती ही रहती है आप उर्दू पे मेहनत करेंगे तो बसानी आप ले सकते हैं और इकतेबास और नज्म से जो पूछे जाते हैं उससे तो और आसानी हो जाती है कि किस तरह से किए जाए आप और, और मजीद कोई सवाल हो तो अगले हफ्ते के लिए आप लोग तैयार रखें और मिलते। अगर आप लोग क्लासेस ज्वाइन करना चाहें तो ऑफर टाइम है चैनल पर आप लोगों को क्लास के मुतालिक पूरी मालूम मिल जाएगी वहां पर भी हम लेक्चर लेते हैं वहां भी दी जाती है और अलग अलग मौजों को पूरी वजाहत के साथ समझाया जाता है जो पूछे जा चुके हैं सबिका पर्चों का भी उसमें जिक्र किया जाता है कि कौन से सवाल पूछे गए थे